जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग सभी अच्छे होंगे। तो आज हम करने वाले हैं फिर से आर्मी क्लर्क 2020 के लिए, जिसका एग्ज़ाम अप्रैल और मई में है, उसके लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है ये। और साथ साथ जो अगले एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, अभी आने वाले एग्ज़ाम के, उसके लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करेंगे आज। ये है ये आर्मी क्लर्क का पेपर का पार्ट वन है, जिसमें हम लोग मैथ, जीके, जीएस, कंप्यूटर देखेंगे, और पार्ट टू में इंग्लिश आएगा। तो पार्ट टू में हम लोग इंग्लिश करेंगे। तो चलिए ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं और स्टार्ट कर लेते हैं आज का ये क्वेश्चंस। और साथ साथ मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और घंटे के बेल को दबा दें, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं तो आपको सबसे पहले मिल जाए। और अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक ज़रूर कर दें। देखिए, लाइक करने से जानते ही हैं कि लाइक करने से क्या क्या फ़ायदा होता है, मुझे हम लोगों को क्या फ़ायदा होगा, आप जानते ही हैं। हम लोगों का मोटिवेशन बढ़ता है, ताकि मैं और जल्दी आपके पास जुड़ सकता हूँ आप लोगों से। तो इसलिए लाइक ज़रूर कर दें आप। लाइक में हम लोगों को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है लाइक करने से, तो लाइक ज़रूर करना है आपको। और इस वीडियो को पूरा देखें, तो पूरा वीडियो को देखेंगे, समझेंगे, तभी आपको कुछ फ़ायदा होने वाला है। और साथ साथ मैं और जो नोट जरूर बनाएं आप, ठीक है। चलो मैं वीडियो का आगे मैं आप नंबर दे दूंगा, व्हाट्सएप नंबर, उस पर आपको कोई क्वेश्चन हो, क्वेरी हो, तो आप मुझे कर देना। और ज़्यादा कोशिश करना कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो, तभी मुझे व्हाट्सएप करना। आप बस आप अपना अगर व्हाट्सएप कर भी देते हो तो आप अपना नाम और सिटी और स्टेट आप जरूर मेंशन कर देना उसमें, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करिए ये क्वेश्चंस। देखिए, ये पार्ट वन है, इसमें हम लोग करने वाले हैं मैथ और इंग्लिश, जीके जीएस करेंगे हम लोग। देखिए, सबसे पहला क्या है, पंजाब केसरी के नाम से किसे जाना जाता है। पंजाब केसरी के नाम से किसे जाना जाता है। देखिए, पंजाब केसरी के नाम से किसे जाना जाता है, आपके लिए ऑप्शन है, चार ऑप्शन है। पहला है लाला लाजपत राय, दूसरा में है मदन मोहन मालवीय, तीसरा में है ज्योतिबा फुले, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाता है, इसका आंसर हो जाता है लाला लाजपत राय, जो कि इसका सही आंसर है। लाला लाजपत राय को क्या कहा जाता है, तो पंजाब केसरी कहा जाता है। आप मुझे कमेंट में बताइए कि मदन मोहन मालवीय को और किस नाम से जाना जाता है, आप मुझे कमेंट करिए और बताइए, अगर पता है तो, नहीं पता है तो कोई बात नहीं है, ठीक है। बस एक मिनट रुक लीजिए, मैं थोड़ा क्वेश्चन आपको देखने में दिक्कत हो रहा होगा, तो मैं इसको यहाँ कर दिया। चलो अगला जो क्वेश्चन है, भारत का पहला नाभिकीय शक्ति स्टेशन कहाँ पर स्थित है। भारत का पहला नाभिकीय न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है, वो कहाँ पर स्थित है। ये है आपके पास ऑप्शन जो है, ये है कलपकम, कोरबा, तारापुर या ट्रॉम्बे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि तारापुर। तारापुर में क्या था, तारापुर में क्या था, यानी अभी भी है नाभिकीय शक्ति स्टेशन, यानी कि न्यूक्लियर पावर स्टेशन, ठीक है। ये अभी भी स्थित वहाँ पर है, जो कि भारत का पहला नाभिकीय शक्ति स्टेशन था ये। अगर बात करें भाभा परमाणु रिसर्च सेंटर की बात करें, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र की बात करें, तो वो कहाँ पर है, ये है ट्रॉम्बे में। कहाँ है ट्रॉम्बे, ट्रॉम्बे कहाँ है, तो ये ट्रॉम्बे है, ये महाराष्ट्र के अंदर एक सिटी है। और तारापुर भी कहाँ है, तो महाराष्ट्र में ही है। तो इसका आंसर क्या हो जाता है, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर है, ठीक है। मैंने इसके लिए आपको इन्फॉर्मेशन के लिए बता दिया है। आगे है, हैदराबाद किस नदी के किनारे बसा है। हैदराबाद किस नदी के किनारे स्थित है। तो हैदराबाद जो है, आपके पास ऑप्शन जो है, हुबली, मूसी, गोदावरी और इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, हैदराबाद जो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मूसी नदी के तट पर स्थित है, मूसी नदी के किनारे स्थित है, मूसी नदी किनारे स्थित है। अब देख लीजिए, हुबली के तट पर कौन सा स्थित है, तो ये है कोलकाता क्या है, तो हुबली नदी के तट पर स्थित है। और गोदावरी की बात करें तो ये है नासिक, क्या है, नासिक। गोदावरी के तट पर कौन सा शहर है, तो ये है नासिक, ठीक है। तो ये आपका नोट जरूर बना लीजिए। साथ मैंने अभी मैंने एक पोस्ट किया है, तो आप जाइए पोस्ट पढ़ लीजिए इसको आप, और साथ मैं आपको इसके डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा इसका लिंक, जहां पर ये करीब 40 नाम है उसमें, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये कौन से शहर कौन से नदी के किनारे स्थित है, उसको आप नोट जरूर बना लीजिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल दूंगा, ठीक है। अगला है, विश्व की सबसे ऊँची चोटी माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है। विश्व की सबसे ऊँची चोटी माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है।
इसका ऑप्शन आपके पास है भारत, बांग्लादेश, नेपाल या चीन। तो इसका आंसर क्या हो जाता है? नेपाल। यानी कि बाउंड्री ब्रिज कहाँ पर है? नेपाल है, विश्व का सबसे बड़ा ये चोटी है। ठीक है, अगर बात करें हम भारत में, बात करें भारत का यानी कि दूसरा, इसका दूसरा जो सबसे ऊंचा चोटी है क्या है? गॉडविन ऑस्टिन। क्या है? गॉडविन ऑस्टिन। ठीक है, ऑस्टिन, जिसे कि हम लोग क्या कहा, क्या कहते हैं, K2 के नाम से भी जाना जाता है, यानी K2 के नाम से भी जाना जाता है K2 को, यानी गॉडविन ऑस्टिन को। ये कहाँ पर है? ये है भारत में। ठीक है, तो समझ गए इसका क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या था, ऑप्शन नंबर सी नेपाल है। अगला है, खेल जगत का पहला खिलाड़ी जिसे भारत रत्न दिया गया था। खेल रत्न का जो दिया गया था भारत का पहले खिलाड़ी को, किसको दिया गया था? तो आपके पास ऑप्शन जो है, कपिल देव, सुनील गावस्कर, सचिन तेंदुलकर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर को सबसे पहले भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। तो इसका आंसर क्या हो जाता है? सचिन तेंदुलकर इसका आंसर हो जाता है। ठीक है, आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर कर दें, और वीडियो जब खत्म हो जाए तो एक ग्रुप में कम से कम आप जरूर शेयर कर देना। आप शेयर करोगे तभी हम लोगों का हम लोग इस पर यूट्यूब पर आ पाएंगे, और अधिक अपने साथियों को लेकर, ताकि और भी आपको क्लास बढ़िया से हो सके। तो आप एक शेयर जरूर कर दें, एक शेयर करने से बहुत फ़ायदा हो जाएगा। आप इतना कर ही सकते हो, ये मुझे पता है। ठीक है, तो चलिए अगला है, सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन है? तो सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका जो लेखक है, ऑप्शन आपके पास जो है, स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती, और जय प्रकाश नारायण, रविन्द्रनाथ टैगोर। देखिए, तो इसके पास जो इसका आंसर जो हो जाता है सत्यार्थ प्रकाश का, इसका आंसर है स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती का जो है पुस्तक क्या है? सत्यार्थ प्रकाश है। तो आप देखिए, स्वामी विवेकानंद का कुछ पुस्तक देखिए क्या है, राजयोग, राजयोग है, कर्मयोग है, ऐसे ही और पुस्तक है। ठीक है, तो आप ऐसा करिए, इसमें देखिए जयप्रकाश नारायण का एक पुस्तक का नाम है क्या, नेशनल बिल्डिंग, नेशन ऑफ बिल्डिंग। ठीक है, और आप ऐसा करिए कि आप कमेंट में कम से कम एक एक पुस्तक का नाम भेजिए मुझे, आप कमेंट में कमेंट कीजिए, रविन्द्रनाथ टैगोर का, स्वामी विवेकानंद का और जयप्रकाश नारायण का, एक एक पुस्तक का नाम आप कमेंट में जरूर कर दीजिए इनके नामों के साथ। ठीक है, चलो अगला है, पृथ्वी के निकटतम तारा कौन सा है? पृथ्वी के निकटतम तारा कौन सा है? पृथ्वी का निकटतम तारा जो है, ऑप्शन जो है प्रक्सिमा सेंटोरी, सीरियस, वोल्फ, लेलैंड। तो इसका आंसर हो जाता है प्रक्सिमा सेंटोरी। प्रक्सिमा सेंटोरी आपका आंसर है। ठीक है, जो पृथ्वी के सबसे निकट है। अगला है, निम्न में से किससे ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है? देखिए, चार ऑप्शन जो है आपके पास, प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन। तो चार ऑप्शन में से इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि विटामिन से हमें क्या मिलता है? ऊर्जा प्राप्त नहीं होता है, बाद बाकी इन सभी से मुझे क्या होता है? ऊर्जा प्राप्त होता है। ठीक है, तो इसका आप नोट्स जरूर बनाते रहे आप। ठीक है, चलो अगला है, विद्युत धारिता का मात्रक क्या है? यानी विद्युत धारिता का मात्रक क्या है? तो आपके पास ऑप्शन है ओम, लक्स, कैंडेला, फैराड। तो देखिए, इसका आंसर जाता है फैराड। देखिए, कभी एग्जाम में ज़्यादातर क्या होता है, SI मात्रक पूछ दिया जाता है, SI यूनिट पूछ दिया जाता है। तो मैंने एक साथ में कलेक्ट किया है, तो इसको आप नोट जरूर बना लें। देख लीजिए, देखिए लंबाई, लंबाई का ऐसा मात्रक क्या है? मीटर। जैसे किसका क्या है प्रतीक क्या है? तो m है, स्मॉल m है। द्रव्यमान का किलोग्राम, kg। विद्युत धारा का एम्पियर, जैसे कि कैपिटल A से कहा जाता है। समय का सेकेंड, जैसे कि s से का डिनोट किया जाता है। अगला है तापमान का केल्विन होता है, जो कि k से डिनोट किया जाता है। अगला है पदार्थ की मात्रा, जैसे क्या कहा जाता है, तो इसका सही मात्रक क्या है? मोल है। पदार्थ की मात्रा क्या है? मोल है। और इसका साइन क्या है, संकेत क्या है? तो इसका है मोल, MOL। ठीक है, अगला है ज्योति तीव्रता का कैंडेला होता है, जैसे कि CD से डिनोट किया जाता है। अगला है, और भी है यहाँ पर, देखिए विद्युत धारा का एम्पियर, प्रकाश के तरंग की यह है एमस्ट्रॉम, आवेश का क्या है कूलॉम, संधारिता यानी कि धारिता की बात करें यहाँ पर फैराड है, चुंबकीय फ्लक्स का क्या है मैक्स वेल है, विभवांतर का वोल्ट। तो इसका आप नोट बना लीजिए आप। ठीक है, नोट बनाइए और इसको आप याद करके रख लीजिए और इसका रिविजन करते रहिए। आपको एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं इसका ऐसा मात्रक या इसका संकेत पूछ लिया जाता है, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और साथ साथ यहाँ पर एक और है यहाँ पर, कि आप मुझे फेसबुक पर भी मुझे आप लाइक कर सकते हो। आप जाइए फेसबुक में सर्च करिए, आप वन प्लस डिफेंस अकेडमी सर्च करिए, वहाँ पर लाइक करिए, क्योंकि जब जितना मैं वीडियो बनाता हूँ मैं उस पर भी यहाँ पर शेयर कर देता हूँ। तो वन प्लस डिफेंस अकेडमी पर जाने के बाद आप
आप लाइक कर सकते हो आप, ठीक है, तो उससे भी उसे आप जुड़ जाओ आप, ठीक है। तो अगला जो क्वेश्चन है, निम्न में से कार्बनिक पदार्थ कौन सा है? देखिए कार्बनिक पदार्थ कौन सा है, कार्बनिक पदार्थ किसे कहते हैं जिसमें कि कार्बन होता है। देखिए पहला ऑप्शन है O2 यानी कि ऑक्सीजन, ऑक्सीजन में कार्बन नहीं होता है। अगला है N2 यानी कि नाइट्रोजन, नाइट्रोजन में भी कार्बन नहीं होता है। यह है Cl2 यानी कि क्लोरीन, यह है क्लोरीन, क्लोरीन इसमें भी कार्बन नहीं होता है। लेकिन CH4 यानी कि मीथेन, क्या है, मीथेन, मीथेन यानी कि इसमें क्या होता है, तो इसमें कार्बन होता है। इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। देखिए इससे पहले मैंने एक पेपर में बताया था कि गोबर गैस में क्या होता है, गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या होता है, तो क्या होता है मैंने बता दिया था कार्बन, लेकिन कार्बन नहीं होगा, क्या हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बता दिया था मैंने, लेकिन कार्बन नहीं यानी कि मीथेन होता है। क्या होता है, मीथेन। गोबर गैस में क्या होता है मुख्य रूप से, क्या होता है, तो मीथेन होता है यानी CH4 होता है, ठीक है, इसका केमिकल नेम है। अगला है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में शॉर्टकट कुंजी Ctrl+W का प्रयोग होता है, तो आपको ऑप्शन जो है प्रिंट डायलॉग बॉक्स को खोलने के लिए, करंट वेब पेज को अपडेट करने के लिए, करंट विंडो को बंद करने के लिए, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, करंट विंडो को बंद करने के लिए। जो अभी मैंने करंट विंडो को अगर बंद जो मैंने खोला है, जैसे मान लो MS Word खोला है, Excel खोला है, कुछ भी खोला है, अगर उसको मुझे उसके फाइल के अंदर जो मैंने जिस पर काम करते रहता हूँ अगर उसको बंद करना होता है तो क्या दबाते हैं, Ctrl+W दबा देते हैं, तो क्या होता है वो वाली फाइल बंद हो जाती है। लेकिन मेरा वो MS Word या Excel वो बंद नहीं होता है, बस वो फाइल जो ओपन रहता है वो फाइल बंद हो जाता है। तो समझ लीजिए Ctrl+W से क्या होता है, तो करंट विंडो बंद किया जाता है। अगला है MS PowerPoint एक प्रोग्राम है, कैसा प्रोग्राम है, क्या स्पेशल प्रोग्राम है या डेटाबेस है या वर्ड प्रोसेसर है या प्रेजेंटेशन है? तो इसका आंसर क्या दोगे आप, इसका आंसर दोगे प्रेजेंटेशन प्रोग्राम है एक MS PowerPoint। MS PowerPoint क्या है, तो प्रेजेंटेशन प्रोग्राम है। अगर डेटाबेस की बात करें तो क्या होता है, MS Access होता है। अगर स्पेशल की बात करें तो MS Excel होता है, वर्ड प्रोसेसर जानते हैं कि MS Word होता है, ठीक है। चलो अगला है कट कॉपी और पेस्ट के लिए कौन सा मेन्यू सेलेक्ट किया जाता है? देखिए आप जानते हैं कि कट कॉपी पेस्ट के लिए इसमें होता है ये, तो एक क्या एक यहाँ फाइल का ऑप्शन होता है, फिर क्या होता है एडिट का ऑप्शन होता है, फिर फॉर्मेट का ऑप्शन होता है, रिव्यू का ऑप्शन होता है। तो यानी कि एडिट वाले ऑप्शन में क्या होता है, तो कट कॉपी पेस्ट का ऑप्शन होता है। तो इसका आंसर ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, यानी कि आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं एक पैरेलल पोर्ट में कितने पिन होते हैं, ये कंप्यूटर का क्वेश्चन है ये, एक पैरेलल पोर्ट में कितने पिन होते हैं, तो 25 पिन होते हैं, इसका नोट जरूर बना लीजिए आप। निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, देखिए यूनिक्स, लिनक्स, नॉर्टन, मैक। देखिए इसमें से देखिए नॉर्टन क्या है, एक सिक्योरिटी प्रोग्राम है, सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर है, लेकिन ये क्या है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, ठीक है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, यानी कि आपका आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर सी ही बन जाएगा। लेकिन यूनिक्स की बात करें तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम है, लिनक्स की बात करें तो ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, अगर बात करें मैक की बात करें तो ये भी है ऑपरेटिंग सिस्टम, लेकिन नॉर्टन नहीं है। अगला है इनमें से कौन सा लॉजिक गेट नहीं है, देखिए लॉजिक गेट कौन सा नहीं है, देखिए एंड लॉजिक गेट है, और क्या है लॉजिक गेट है, नोट भी है, लेकिन नेट जो है क्या है, ये लॉजिक गेट नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी यानी कि NAT क्या है, लॉजिक गेट नहीं है। अगर लॉजिक गेट कौन सा है, तो एंड और नॉट क्या है, लॉजिक गेट है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर इसमें हो जाएगा। अगला है लिनक्स एक क्या है, लिनक्स जो है, लिनक्स क्या है, कंप्यूटर सिस्टम है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का भाग है, या CPU का डिवाइस का एक प्रकार है, तो इसका आंसर क्या दोगे आप, ये आपने अभी करा था, तो लिनक्स को ही लिनक्स यहां कर दिया गया है, कहा जाता है, तो ये क्या है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम है, ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। अगला है कंप्यूटर भाषा फोर्ट्रन का उपयोग किस क्षेत्र में किया जाता है, कंप्यूटर की भाषा जो है फोर्ट्रन का उपयोग किस क्षेत्र में किया जाता है, तो आपके पास ऑप्शन जो है वाणिज्य, व्यवसाय, या विज्ञान, या फिर शैक्षणिक। तो देखो तो फोर्ट्रन का जो यूज किया जाता है वो किस में किया जाता है, तो ऑप्शन आपके पास सी ऑप्शन है, विज्ञान के क्षेत्र में इसका यूज किया जाता है। अगर बात करें फोर्टर्न की बात करें इसका पूरा नाम क्या होता है, तो फॉर्मूला ट्रांसलेशन होता है, क्या होता है, फॉर्मूला ट्रांसलेशन, इसका कभी कभी ये भी पूछ दिया गया है, ठीक है, इसको भी आप नोट बना लें, ठीक है। मैंने कंप्यूटर पर 5 सेट करवाया है, 5 भाग करवाया है, तो जाकर देख लीजिए, नहीं देखे हैं तो,
ठीक है। चलो अगला है, आईटी का पूरा रूप क्या है, आईटी का पूरा नाम फुल फॉर्म क्या है, आईटी का, आईटी का पूरा नाम क्या है। तो पहला ऑप्शन में है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, अगला है इंटीग्रेटेड टेक्नोलॉजी या इंटेलिजेंट टेक्नोलॉजी या इंटरेस्टिंग टेक्नोलॉजी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को क्या कहा जाता है, तो आईटी कहा जाता है, यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। चलो ये था इतना जेके जीएस का। अब हम बात करते हैं मैथ का। मैथ में क्या है, पहला जो आपका ये है समीकरण दिया गया है, उसको आपको एक्स और वाई का मान निकालना है। तो मैं आपको यहाँ पर रंग कर देता हूँ इसको, देख लीजिए यहाँ पर एक्स और वाई, यानी कि टू बट अपॉन में एक्स प्लस थ्री अपॉन में वाई इक्वल टू फोर, दूसरा है सिक्स अपॉन में एक्स प्लस फाइव अपॉन में वाई इक्वल टू थ्री। ये क्वेश्चन ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होता है, लेकिन तभी क्या होता है बनाने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है, और आप कुछ जैसे बनाएं आप, ये क्वेश्चन ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं, तभी मैं बना देता हूँ। ठीक है, अब देख लो इसमें गुना कर लो आप, देखो कोई ये काट लो या फिर ये काट लो, मैं इसको काट दे रहा हूँ। ठीक है, इसको काटने के लिए किसमें मैं फाइव अपॉन में वन से गुना कर दूंगा, इसमें कर दूंगा थ्री अपॉन में वन से, क्योंकि फाइव यहाँ था तो फाइव इसमें गुना कर दूंगा, थ्री यहाँ है तो थ्री यहाँ से मैंने गुना कर दिया। अब गुना करूंगा तो पाँच दुना दस, ये कितना हो जाएगा, दस अपॉन में एक्स हो जाएगा प्लस पाँच या पंद्रह बटा में वाई हो जाएगा, बारह पंचों का बीस। अब ये कितना हो जाएगा, तीन छः अट्ठारह, अठारह बट अपॉन में एक्स प्लस ये पाँच या पंद्रह वाई बराबर में तेरह दिया उनचालीस। अब देखो ऐसे कर लो, यदि प्लस है प्लस है प्लस है तो ये माइनस 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 हो जाएगा, ये दोनों तो कट जाएगा प्लस माइनस है तो। अब देखो दस और माइनस यहाँ कर लो, दस अपॉन में दस अपॉन में एक्स माइनस अठारह अपॉन में एक्स बराबर में कितना आ जाए बीस माइनस पैंतीस, यानी ये कितना हो जाएगा, तो माइनस आठ अपॉन में एक्स बराबर में ये हो जाएगा पंद्रह अपॉन में पंद्रह नहीं हो जाएगा उनचालीस है ये, तो उन्नीस अपॉन में उन्नीस 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 या माइनस आ जाएगा, तो माइनस माइनस कट जाएगा, यानी एक्स वैल्यू कितना हो जाएगा, तो उन्नीस आठ बटा में उन्नीस। ठीक है, एक्स का वैल्यू यहाँ दे दिए, अब एक्स का वैल्यू यहाँ इसमें पुट कर दीजिए, समीकरण एक में पुट पुट कर दीजिए। अब एक्स का वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो दो बटा में कितना हो जाएगा, आठ बटा में उन्नीस और प्लस तीन बटा में वाई बराबर में चार है। अब 19 को क्या कर दें, ऊपर कर देंगे हम, यानी कितना हो जाएगा 19 ऊपर चला जाएगा, 19 दोनों 38 हो जाएगा, यानी कि 38 बटा में कितना हो जाएगा, तो 38 बटा में हो जाएगा 8 और में प्लस में 3 बटा में y और बराबर में 4, यानी कि अगर बात करें इसको, ये प्लस है, इसको इस तरफ करूंगा तो माइनस में आ जाएगा 3 बटा में y बराबर में 4 माइनस कितना था ये 38 फोन में 8। अब देखिए यहाँ फोन कर दीजिए, 8 चौका 32, ये हो जाएगा 32, 32 माइनस 38 अपॉन में 8 हो जाएगा, यानी कि 32 अपॉन में 8, यानी कि 32 माइनस 38 यानी कि 6, आइए माइनस 6 हो जाएगा अपॉन में 8। अब 3 बटा में y है, देखो 3 दुना 6 और 2 चौका 8 यानी कि माइनस 4, y बराबर कितना हो जाएगा, तो माइनस 4, यानी x का वैल्यू आ गया y का वैल्यू आ गया, तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको इस तरह से करना आप। अगला है, चलो यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, तो मैं थोड़ा सा यहाँ पर इरेज कर देता हूँ या फिर यहीं बना लेता हूँ। चलो जो अपने नोट नहीं बनाया नोट बना ले उसको आप। ठीक है, चलो अगला है, यदि समीकरण x प्लस टू वाई माइनस थ्री इक्वल टू जीरो एवं फाइव एक्स प्लस के वाई प्लस सेवन इक्वल टू जीरो का कोई हल ना हो तो के का मान कितना होगा। देखिए जब इसका कोई हल नहीं होता है ना, तो इसका एक फॉर्मूला याद कर लीजिए, क्या होता है, ए वन अपॉन में ए टू और इक्वल टू बी वन अपॉन में बी टू और नॉट इक्वल टू बराबर नहीं सी वन अपॉन में सी टू। अब देखिए ये ए ए है, ए वन है, बी वन है और सी वन है, ये क्या है, ए टू बी टू और सी टू है। तो अब ए का वैल्यू कितना, कुछ नहीं आता, एक है यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या करूँगा मैं, एक कर दूंगा, एक अपॉन में कितना है, अब ए टू कितना है, फाइव है, फाइव इक्वल टू अब कितना है बी, अब ए टू, ए टू कितना हो जाएगा दो, यहाँ पर है तो दो कर दूंगा यहाँ पर, अपॉन में इसका कितना है, के है, के है ना, वाई के बदले में के है ना, यहाँ पर नंबर के बदले में के दिया है, के नॉट इक्वल टू कितना हो जाएगा, नॉट इक्वल टू कितना हो जाएगा, थ्री हो जाएगा, अब ये है माइनस तीन अपॉन में कितना हो जाएगा, ये सेवन हो जाएगा, सेवन। अब देख लो जब इसमें के का वैल्यू निकालोगे यहाँ पर, एक बटा में पाँच, एक बटा में पाँच बराबर में दो बटा में दस के है, के है ना, तो इसको ऐसे गुना कर दूंगा, इसे गुना कर दूंगा, तो के बराबर कितना हो जाएगा, दस। अब के का वैल्यू यहाँ कितना आ गया, दस आ गया। अगर बात करूँ इसका, बात करूँ मैं इतना के बात करूँ अगर मैं, यानी कि के दो बटा में के बराबर में माइनस तीन बटा में सात,
तो यहाँ कितना हो जाएगा ये, अब के का वैल्यू कितना हो जाएगा, के तीन तीन और के गुना कर दूंगा तो माइनस तीन माइनस के तीन के हो जाएगा सात नौ चौदह, यानी चौदह बटा में तीन हो जाएगा, चौदह बटा में तीन हो जाएगा माइनस में, यानी कि अब के का वैल्यू यहाँ कितना आ गया, दस आ गया, लेकिन के का वैल्यू में कितना है माइनस ये आ गया, माइनस चौदह बटा में तीन आ गया, तो दोनों तो मैच नहीं किया ना यहाँ पर, तो ठीक है, तो ये तो सही है यहाँ पर, यानी के का वैल्यू कितना आ गया, के का वैल्यू आ गया दस, दस आपका क्या हो जाएगा आंसर, इतना करने की जरूरत नहीं था यहाँ पर, बस मैंने चेक करने के लिए आई किया था, के का वैल्यू दस निकल गया, तो ये आपका आंसर है, ठीक है। तो ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है, निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सहवास होगा, अब देखिए जोड़ा इसमें से क्या है, पेड़ दिया गया है, कौन सा सहबाज है, अब देखिए सहबाज का क्या फॉर्मूला होता है, ऐसी दो संख्या जिसका एच सी एफ, जिसका एच सी एफ जिसका महत्तम समावर्तक कितना हो तो एक हो, जिसका एच सी एफ कितना हो एक हो, वो क्या कहलाता है, वो सहबाज संख्या कहलाता है। अब देखिए 14 और 35 का क्या आप निकालोगे, एच सी एफ निकालोगे तो 7 आ जाएगा, तो ये क्या होगा, तो ये ऐसे ये तो होगा नहीं सहबाज संख्या, लेकिन 31 और 93 का निकालोगे कितना हो जाएगा, 31 या 93 ये भी नहीं होएगा, 18 25 निकालोगे तो ये 18 25 क्या हो जाएगा आपका सही हो जाएगा, 18 25 का देखिए ऐसा नंबर, यानी कि इन दोनों को कोई भी नंबर एक साथ ना काटे, जैसे मान लो 7 से दोनों कट रहा था, इसमें 31 और से दोनों कट रहा था, लेकिन ये ऐसा कोई नंबर नहीं है जो 18 25 को एक साथ काट दे, इसलिए क्या हो जाएगा इसका सहबाज संख्याएँ हो जाएगा। आप सिंपली आप क्या कर लेना, दोनों का एस सी एफ निकाल लेना, वही क्या हो जाएगा एस सी एफ एक आ जाएगा, तो वही क्या होगा वो हो जाएगा इसका सहबाज संख्याएँ हो जाएगा, ठीक है। चलो अगला है, दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक इतना है और उनका महत्तम समावर्तक 18 है, तो उनमें से एक संख्या दिया दूसरी संख्या कितना है, याद कर लो क्या होता है, एस सी एफ इंटू में एल सी एम इक्वल टू पहला नंबर फर्स्ट नंबर इंटू में सेकेंड नंबर, ये फॉर्मूला है, ठीक है, सेकेंड नंबर। अब देखो एस सी एफ, एस सी एफ कितना दिया था 18 और ये एल सी एम 1134 इक्वल टू पहला नंबर कितना था 162 और दूसरा नंबर नहीं दिया था, जहाँ मैं क्वेश्चन मार्क कर देता हूँ यहाँ पर, तो आप क्वेश्चन मार्क कर ले में आप निकाल लीजिए। अब क्या करूँगा, 18 गुना में 1134 अपॉन में कितना हो जाएगा 162, 18 नंबर 162, 9 से कट रहा है क्या है, 9 से कट रहा है ये, 9 से काटोगे 9 2 9 2 18 9 6 54 126 आपका क्या हो जाएगा आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। तो याद कर लीजिए एल सी एफ इंटू में एल सी एम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, यानी कि दो नंबर संख्याओं का गुना हो जाएगा, दो संख्या गुणनफल हो जाएगा, ठीक है। इन चारों में से क्या होगा, एक नंबर नहीं देगा आपको, वही नंबर पूछ देगा, बाद में के तीन नंबर कोई ना कोई आपको दिया ही रहेगा, ठीक है। तो इसको आप नोट जरूर कर लीजिए आप। अगला है, रघु 25 टोकरी 35 दिनों में तैयार करता है, तो 110 टोकरी कितने दिनों में तैयार करेगा। देखिए ऐसे क्वेश्चन बनाने के लिए आप ऐसे बनाओ, देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर मैं कर देता हूँ थिंग्स, क्या करता हूँ थिंग्स, और यहाँ पर कर देता हूँ डे, यानी कि सामान यहाँ पर और दिन यहाँ पर। एक सामान कितना था 25, सामान था, दिन कितने लगते थे 35, अब सामान कितना है तो 110, तो ये दिन कितने लगेंगे, क्वेश्चन मार्क कर दूँ यहाँ पर। अब क्वेश्चन मार्क के हम निकालने के लिए क्या करेंगे, दोनों गुना कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे यहाँ पर, तो इन दोनों गुना करने पर कितना हो जाएगा 110 गुना में 35। अब देखिए गुना करने पर कितना, ये तो एक्स ही हो जाएगा यहाँ पर, एक्स का वैल्यू मान लूँ तो, लेकिन बट्टा में क्या कर देना है 25 कर देना है मुझे। अब देखो 5 5 25 5 7 35, आप 5 काटोगे तो 22 5 10, आप दोनों गुना कर लो यहाँ कितना हो जाएगा 22 7 154 आप क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है, समझ गए ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 154 आपका आंसर हो जाएगा। अगला है, यदि 40 10 25 20 35 और x का औसत 35 25 है, तो x का वैल्यू क्या होगा। अब देख लो, जब आप औसत निकालोगे तो क्या करोगे, औसत बराबर क्या, सभी संख्याओं का योग बटा में संख्याओं की संख्या, तो औसत कितना, सभी संख्याएं जोड़ लो पहले, 40 10 25 20 35 x बटा में कितना हो जाएगा, तो 1 2 3 4 5 6 6 बराबर में 25 औसत दिया ही था मुझे। अब क्या कर लो, सभी को जोड़ लो और इसमें कितना हो जाएगा 40 10 50 50, ये हो जाएगा 75 75 और 20 95 75 और 95 95 100 130 130 बटा में 6 बराबर 25, यहाँ प्लस x भी है ना, यहाँ गुणा कर देंगे कितना हो जाएगा ये, तो 25 150, यानी कि 130 प्लस में x बराबर में 150। अब x वैल्यू निकालो कितना हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा, यानी इसको इस तरफ कर दोगे ना, इसको इस तरफ घट जाएगा ना, तो 20, यानी x बराबर कितना हो जाएगा 20।
ठीक है। तो आपका आंसर है, इसे करने का और भी तरीका है, हम तो इसमें पेन भी नहीं लगाते हैं, लेकिन तब भी चलो अभी कर लो इसको ऐसे ही। देख जैसे मान लो अब एक्स वैल्यू निकालना था ना, उसे 25 दिया था, तो सभी को क्या बना लो 25 के बराबर में कर लो। अगर देखो 25 के बराबर में करोगे तो 25 ज़्यादा है ना, तो देखो 25 40 10 50, जैसे 50 हो गया 25 कट जाता है ना, तो इसको कैंसिल कर दो। अब 25 तो कट ही जाएगा क्योंकि 25 यहाँ पर, अगर 20 है यहाँ पर है, अरे 35 है यहाँ पर, 35 में से अगर 25 घटाओगे 10 बच जाएगा, तो 10 इसमें ऐड कर दो, कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 30। अब 30 हो गया ना, जैसे 25 निकाल दो फिर इसमें से ये वाला 25, तो अब 5 बच जाएगा। अब 5 को क्या बनाने के लिए, 25 बनाने के लिए क्या ऐड करना पड़ेगा, क्या ऐड करना पड़ेगा, तो 20, इसके 10 20 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसको ऐसे ही बना सकते हो आप। ये आपको कब काम करेगा, जब नंबर छोटा छोटा रहेगा तभी आप काम कर सकते हो, लेकिन जब नंबर बड़ा हो जाएगा तो फिर थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। चलो ये भी तरीका अच्छा ही था, तो आप ऐसे बना सकते हो। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। लेकिन अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें, अब तो आप एक शेयर जरूर कर सकते हो आप, ठीक है, एक शेयर जरूर कर देना अभी आप, ठीक है। और लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर कर देना, ठीक है, ताकि मैं और भी वीडियो आपके लेकर आऊँ और अपनी साधु को जोड़ सकूँ इसमें। तो बस आप हम लोगों का कुछ हेल्प करिए, ताकि हम लोग यूट्यूब पर और बढ़िया से आ सकें, ठीक है। चलिए तब तक के लिए, चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।